बीकानेर में लोकतंत्र के ऊपर राजशाही का साया 1977 तक बना रहा। यहाँ के तत्कालीन महाराज करणी सिंह 1952 से 1977 तक लगातार निर्दलीय चुनाव जीते। उसके बाद में उनके इस राजनीतिक विरासत को 2008 में फिर से रिवाइव किया गया। उनकी पोती राजकुमारी सिद्धि कुमारी जब बीकानेर पूर्व की सीट से मैदान में उतरी, फिलहाल वो दो बार बीकानेर पूर्व की सीट से विधायक बन चुकी हैं और तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। हम लोगों ने आपसे वायदा किया था कि लल्लन टॉप की टीम जहाँ कहीं पर भी जाएगी वहाँ के बड़े चेहरों, वहाँ के बड़े सियासी चेहरों से आपको रूबरू कराएगी, आपको मुखातिब करवाएगी। इसी सिलसिले में हम राजकुमारी सिद्धि कुमारी के पास पहुंचे और उनसे हमने दिलचस्प बातचीत की, आइए सुनते हैं। सिद्धि कुमारी जी, आपकी पढ़ाई लिखाई कहां से हुई, हमको थोड़ा सा उसके बारे में। पहले तालीम तो मैंने यहीं की है, पूरा एमए इन इंग्लिश लिटरेचर तक। एमए इंग्लिश लिटरेचर, सारी तालीम बीकानेर से हुई आप? जी। तो आपको हिस्ट्री, कल्चर, म्यूजियम वगैरह इन सब चीजों का बहुत दिलचस्पी रहती है इसमें, तो आप अपनी इस दिलचस्पी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता पाएंगे हमें? जी, मैं म्यूज़ियम चलाती हूँ 20 साल से। एवरीडे आर्ट का म्यूज़ियम है और उसमें गैलरीज वगैरह है और लाइव डेमोंस्ट्रेशन है। और एक कारखाना जो होते थे पुराने वर्कशॉप्स, उसको कन्वर्ट किया है म्यूज़ियम में। ज़्यादातर देखते हैं कि पैलेसेज और फोर्ट्स कन्वर्ट हो रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर। मेरा म्यूज़ियम एकमात्र ऐसा है जो कि वर्कशॉप होता था वर्कर्स के लिए, उसको कन्वर्ट किया है मैंने। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अब 20 साल हो गए तो रिस्पांस अब 20 साल से चल रहा है तो ठीक ही होगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मतलब आपकी एक प्रिविलेज फैमिली से आते हैं, रॉयल फैमिली से आते हैं, बचपन में लोगों के साथ में कनेक्ट ऐसा नहीं रहा, एक्सपोजर ऐसा नहीं रहा, आपके सारे प्रिविलेजेस होने के बाद में एक सराउंडिंग था जिसके इर्द गिर्द ही आपकी ज़िंदगी रही, तो पॉलिटिक्स आपके कप ऑफ टी नहीं है, मतलब आप पॉलिटिक्स क्यों चूज़ किए फिर? एक्सपोजर बहुत कम होता था और बहुत ही स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग है हम लोगों की यहाँ। अभी तो खैर इतना स्ट्रिक्ट मामला रहा नहीं है। और पॉलिटिक्स को मैंने चूज़ नहीं किया, पॉलिटिक्स ने मुझे चूज़ किया। तो आपके जो ग्रैंडफादर थे महाराजा करणी सिंह जी, वो लगातार यहाँ से 5 बार सांसद रहे, तो वो लेगेसी एक पॉलिटिक्स की थी भी, लेकिन उसके बाद में वो सिलसिला टूटा एक तरीके से, आपने वापस उसको रिवाइव किया, तो क्या आपको कहाँ से क्या ऑफ़र मिले, कैसे आप पॉलिटिक्स में कैसे इंट्रोड्यूस हुई? महारानी साहब वसुंधरा राजे जी ने बहुत ज़्यादा प्रेशर भी दिया और मैं हाँ इसलिए भी बोला क्योंकि मुझे लग रहा था कि सब कुछ ठीक होगा, इसलिए मैंने हाँ भी बोला। और ये ऑल्सो ये ना डेस्टिनी के ऊपर भी होता है, अपने नहीं चूज़ करते हैं काफ़ी कुछ चीज़ें, पर ये हो जाती है, पर इतनी अच्छी जर्नी हो जाएगी ये कभी मैंने नहीं सोचा था। पॉलिटिक्स के आपके एक्सपीरियंसेस पिछले 10 साल में अच्छे रहे हैं? बहुत अच्छे रहे हैं क्योंकि एक मतलब अच्छी तरबियत से मैं काम करने वाली लड़की हूँ और यदि अच्छी तरबियत से काम करें तो कोई भी काम है जो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव करती हूँ तो फिर उसका रिजल्ट तो आता है। आप उर्दू शेर व शायरी का भी शौक रखती हैं? बहुत ज़्यादा। मैं रूमी और हाफिज को मैं बहुत अपने कोट्स के अंदर और एवरीडे लाइफ के अंदर भी मैं उनको फॉलो करती हूँ। और आजकल मुझे ना टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, पर जो कल्चर के अंदर जो उन्होंने मिक्स किया था रियलिटी और ड्रीम्स के अंदर, जो रियलिटी और ड्रीम्स के अंदर जो उनका मिक्सचर होता था और उसके ऊपर वो जो अपनी शायरी करते थे, वो अब एक नया है जो मेरे को पसंद आने लग गया है। पर मैं जो बहुत बहुत रूमी और हाफिज़ को फॉलो करती हूँ। अच्छा, रूमी को आप खूब पढ़ती हैं, खूब पसंद करती हैं। अच्छा, तो आपके बारे में जहाँ तक हम लोगों की जानकारी है, आप आर्टिस्ट हैं बाय सोल, तो पॉलिटिक्स कैसा, मतलब आपका स्वाद कैसा रहा है पॉलिटिक्स का अभी तक? मतलब आप बता रही हैं लेकिन वैसा आर्टिकुलेशन जो हम लोग जनरली पॉलिटिशियंस के साथ में देखते हैं कि कोई चीज़ों को आर्टिकुलेट करते हैं, सिचुएशंस को आर्टिकुलेट कर लेते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिक्स नहीं, इट्स वेरी जिग जैग वे, तो आप उसमें कैसे अपने आप को एडजस्ट करती हैं? देखो, मैं डिवेलपमेंट का काम करती हूँ, ईस्ट के अंदर जो भी डिवेलपमेंट है उसके बारे में मेरे को पूरी नॉलेज होती है, चाहे वो सीवर लाइन का मामला हो, चाहे वो सूरसागर का स्टेटस को बनाने का मामला हो, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, उस सब के अंदर मैं अपना पूरा नॉलेज
रखती हूँ और उसके अंदर क्या क्या मैं बेटरमेंट कर सकती हूँ उसके ऊपर भी मैंने बहुत वर्कआउट किया है। यदि आप जाके देखें, जनाना वार्ड है, यदि गंगा शहर का सैटेलाइट हॉस्पिटल है, या मेरी बच्चियाँ जो स्कूल में जाती हैं उनके लिए बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स हैं, या किसी का CSR लाके बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स मैंने किया है। और अब जो मेरा चैलेंज है कि सीवर का जो डिस्पोजल है उसके अंदर किस तरह की मशीन्स लग सकती है, वो सब उसके ऊपर मैं अपना अच्छा वर्किंग आउट करती हूँ। मे बी मेरे को राजनीति के अंदर मैनिपुलेशन नहीं आता है, तो मेरे को मैनिपुलेशन के बगैर ही रहना है। मैं मैनिपुलेशन के अंदर रह नहीं सकती। मैं एक सूफ़ी सोल हूँ, मैं एक सूफ़ी थिंकिंग के अंदर रहती हूँ, तो मेरे से ये सब फालतू की बातें नहीं होती हैं। पर बिल्कुल भली भांति मैं जो अपनी जो मेरा जो काम काज होता है उसके अंदर मेरे को जितनी नॉलेज की अक्वायरिंग चाहिए होती है वो मैं 100% लेके रहती हूँ। वो आप 100% लेके रहती हैं। तो पिछले 10 साल के कार्यकाल में आपने बीकानेर में, जैसे आपने बताया कि जनाना वार्ड, लड़कियाँ खूब बीकानेर, हम लोग जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो महाराजा गंगा सिंह जी के समय से ही हमारे ये अंडरस्टैंडिंग है कि पूरे राजपूताना में जो जितने प्रिंसली स्टेट थे उसमें से बीकानेर सबसे लिबरल था अपने वैल्यूज़ को लेके। मॉडर्न सोसाइटी का एक्सपोजर यहाँ पे ज़्यादा था। यूरोप में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के साथ में यहाँ के सैनिकों का और ख़ासतौर पर महाराजा गंगा सिंह जी का जो यूरोप के साथ में एक्सपोजर था, उसके बाद बीकानेर के समाज में काफ़ी चीज़ें बदलाव आईं औरतों के लिहाज से भी। हम कल जब रात को शहर में घूम रहे थे तो हमने देखा कि 12:30 बजे भी औरतें आराम से शहर में घूम रही हैं। ये मतलब दूसरे जगहों पे देखने को हमको कम मिलता है। तो आप औरतों के लिहाज से इस एरिया में क्या काम कर रहे हैं, हमको थोड़ा सा डिटेल दे पाएं? तो औरतों के लिहाज से सबसे पहले मैंने किया है कि लाइब्रेरीज दूं, जितना वो पढ़ लेना वही उनका वेपन रहेगा। एट द एंड जो मैटर करता है वो है एजुकेशन। यदि बच्चियाँ एजुकेटेड रहेगी तो वो आगे अपने आप को एम्पावर कर सकती हैं। ये बहुत बढ़िया टूल है। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि उनको एजुकेशन और अच्छी दें, उनका काम और अच्छा हो। तो एजुकेशन के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करती हूँ। जहाँ डेफ एंड डम स्कूल है, जहाँ ब्लाइंड स्कूल है, वो जो स्पेशल स्कूल्स हैं उनको भी मैंने इस कार्यकाल में क्रमोन्नत करवा के 12वीं तक कर दिया है। तो उनका भी ये जो एक राइट बनता है एजुकेशन का, जो हमारे PH कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो फिजिकली, हम उनको, उनके लिए भी 12th किया। देखो अपने उनको कैटेगरी तो अपने क्या बोल सकते हैं, अपने ह्यूमंस हैं, अपने हाथ में बहुत कम चीज़ें होती हैं, तो ये बहुत स्पेशल लोग हैं, तो मैं तो इनको स्पेशल कैटेगरी मानती हूँ। प्रधानमंत्री भी दिव्यांग एक शब्द का इस्तेमाल करने के ऊपर जोर देते हैं, भारत सरकार ऑफिशियली वो कह रही है। बहरहाल आप ये सारा पॉलिटिक्स, लोगों से मिलना जुलना, इसके अलावा जो आपकी जो आपके अभी तक शख्सियत का जो मिजाज हम लोगों को समझ में आया, तो आपको पीस और सॉलिट्यूड बहुत पसंद होगा, मतलब ये मेरा अंदाजा ही है। तो ये पूरे के पूरे भाग दौड़ में आप अपने आप को कैसे बैलेंस रख पाते हैं? अभी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है खुद के लिए, पर हाँ मैं बैलेंस कर लेती हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट है होता है पर मैं कर लेती हूँ, क्योंकि देखो पीस और सॉलिट्यूड और अपना टाइम सैक्रिफाइस करना ज़रूरी होता है जब आप अपने नेशन को सर्व कर रहे हैं। तो ये बहुत छोटी फैसेट होती है हम लोगों की लाइफ में, क्योंकि आप जब अपने नेशन को सर्व करते हैं होता है, पर जब आप अपने नेशन के सर्व कर रहे हैं तो ये चीज़ें मैं फिर भूल ही जाती हूँ। तो आप अपने आप को चार्ज कैसे करती हैं, या रूमी पढ़ती हैं, कोई सूफी म्यूजिक सुनती हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें म्यूजिक को लेके, राइटिंग्स को लेके? मेरे को म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है। मैं कोक स्टूडियो बहुत अच्छा सुनती हूँ, और एक ही अबू फरीद है जो कि बहुत अच्छा गायक है, उसको मैंने लाइव भी देखा है। और एक अबू फरीद ने जो एक गाना गाया है रंग, तो मैं वो रंग वाला गाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है। तो जब भी मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे कुछ सुनना होता है तो मैं रंग सुनती हूँ, क्योंकि रंग में वो अपने खुदा के साथ में नहीं को डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेता है। उसकी आवाज़ में इतना मतलब बारूद है कि वो जब रंग गाता है, उसने आबिदा प्रवीण के साथ भी शायद गाया है रंग वो कोक स्टूडियो में, तो वो जो रंग बोलते हैं ना, तो वो भगवान का रंग है, वो अल्लाह का रंग है, वो परवरदिगार का रंग है। उसमें ये सब कास्टिज्म या
रिलीजियस बिलीफ नहीं है, वो एक सेलेशियल रंग है उस भगवान के साथ, वो मैं बहुत सुनने का है। और वो एक दफ़े जब मैं शुरू करती हूँ तो वो मैं कम से कम 100 दफ़े सुन लेती हूँ, लूप पे सुनती हैं। अच्छा, और मैं आपसे ये एक और सवाल, मतलब हम लोगों को लगातार जब आपके बारे में हम फील्ड में थे हमको ये फीडबैक मिल रहा था कि आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं, लोगों से बहुत कम मिलती हैं, मतलब आप काम तो करवाती हैं लेकिन आपका लोगों से पब्लिक से कॉन्टैक्ट वैसा नहीं है जो एक मास लीडर का होना चाहिए, तो इस पर आपका क्या कहना, आप लोगों से आपका कॉन्टैक्ट बहुत कम है? ये बात सही है कि मैं थोड़ा सा है जो झिझक हिचकिचाहट होती है मुझे, पर मेरे 30 वार्ड हैं और मेरा अर्बन एरिया है, उन 30 वार्ड के अंदर मेरा कॉन्टैक्ट है, बस दैट इज़ इनफ। आज की तारीख में वही तो मेरे वोटर्स हैं, उन्हीं के साथ मुझे रूबरू होना पड़ता है, तो वो 30 वार्ड के अंदर मैं अपना कॉन्टैक्ट अच्छी तरह से रखती हूँ और मैं ब्रेकअप उसका मतलब ज़्यादा लंबा भी नहीं करती हूँ, बट बाकी चीज़ों के अंदर मैं नहीं बातचीत करती। आप अपने काम से काम रखती थी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत ललन टॉप के साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।